मैं हूं सुनील सर और आपके सामने आज लेकर का है एक नई वीडियो डिफेंस ऑनलाइन सेंटर में। आज हम आपको दिखाएंगे सर कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सर वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना, मिलेगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। देख लीजिए काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को कैसे ज्ञात करेंगे आपको फिगर दिया रहेगा। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन पूछेगा वर्ग ज्ञात करो। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। पहले वर्ग आप जानिए क्या है या कैसे पता चलेगा कि ये वर्ग है इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं वर्ग की पहचान होगा सर। यहाँ पर दिखा दिए कि इसका लंबाई ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, माने इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो इसको हम वर्ग कहेंगे। देख सकते हैं वर्ग कहेंगे। तो हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे ये हमको देखना है, अर्थात सभी बराबर होना चाहिए। जैसे आपको दे दिया गया पहला नंबर क्वेश्चन में, आपको हमेशा इसी तरह वर्ग ज्ञात करने के लिए पूछेगा एक नंबर। अब फिगर आप देखिए, यहाँ पर है वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना, अर्थात इस तरह से दे दिया गया। एक हम ज्ञात करके दिखाते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा छोटा होगा तो आपको अलग नहीं मानना है, ये सब के सब वर्ग ही कहलाएगा। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी है और ये भी है। आप कैसे समझेंगे ये देखिए। सबसे पहले वर्ग का मतलब हुआ कि ये आपका एक हो गया, ये एक दूसरा वर्ग हो गया, एक तीसरा वर्ग हो गया, एक चौथा हो गया और एक बड़ा वाला हो जाएगा। तो कुल टोटल आप गिन करके बता सकते हैं कि कुल कितने वर्ग है, तो पांच वर्ग हैं। तो सर गिन करके एक तो नियम है कि आप गिन करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है आपको, जैसे देखिए गिन कर गिनेंगे तो एक दो तीन चार, तो ये मिल जाएगा चार और प्लस एक मिलेगा बड़ा वाला, अर्थात टोटल वर्ग कितना हो गया, पाँच। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये गिन करके हम वर्ग की संख्या बता दिए, गिन कर वर्ग बराबर वर्ग इज इक्वल टू, हमने गिन करके बताया है इसका आंसर। लेकिन अब ट्रिक के माध्यम से इसको समझिए कैसे आप हल करेंगे। ट्रिक कहता है कि ये ए है, ये बी है, इधर भी सेम टू सेम है, ए है और बी है। अगर जितना इधर होना चाहिए वर्ग उतना ही इधर अगर वर्ग है, तो यहाँ पर मतलब ये कि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के अगर बराबर है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर कैसे देंगे ये देखिए। यहाँ पर अब आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, अब यहाँ पर एक लिखना है, यहाँ पर दो लिखना है, यहाँ पर एक लिख दिए हैं तो यहाँ दो लिख दीजिए, माने इस तरह गिनती करना है एक दो, फिर इधर की तरफ गिनेंगे तो एक दो, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ एक के स्थान पर एक है तो एक का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर दो है तो दो का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग इज इक्वल टू, ये मिलेगा वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव, दिस इज आंसर। यही आपका क्या मिल गया, तो वर्ग मिल गया। उतार लेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब आप देखिए सबसे पहले दूसरे नंबर पर चलेंगे,
यहाँ पर हम इस तरह से दिखा देते हैं, अब आपको बताना है कि कितना वर्ग होगा। मतलब ये है वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग की संख्या आपको केवल बताना है। अभी हमने जो ट्रिक बताया उसके आधार पर हल करेंगे इसको, हमेशा गिनने का प्रयास नहीं करना है। ये देखिए, सबसे पहले एक दो तीन, एक दो और तीन, कुल वर्ग कितना होगा ये समझिए। तो वर्ग बराबर इसको मानेंगे ए बी और इसको मानेंगे सी। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक मिलेगा सर, देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वर्ग इज इक्वल टू मिल जाएगा एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग प्लस तीन का वर्ग। एक का वर्ग एक होगा, दो का वर्ग दो दूनी का चार होगा, प्लस तीतरी का नौ होगा। टोटल वर्ग कितना मिल जाएगा सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जादुई ट्रिक के आधार पर आपका आंसर आ जाएगा 14। दिस इज आंसर, उतार सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बता भी सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर, इसको भी देखिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आराम से ये वर्ग करके जोड़ देंगे, आपका आंसर केवल आ जाएगा। अगले नंबर पर आप देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए इस तरह का दे दिया, अब इसमें देखेंगे सर वन टू थ्री, फिर इसमें भी उसी तरह से वन टू और थ्री, सबको वर्ग ही मानना है। थोड़ा इधर उधर भी रहेगा तो वो वर्ग ही होगा। अगर वर्ग कह दिया है कि आप ज्ञात कीजिए, तो सर पहले आप इस तरह से नियम लगा लीजिए वन टू थ्री फोर, यहाँ भी देखेंगे वन टू थ्री फोर। अब देखेंगे इसका मेथड नंबर वन। अब ये बड़ा होगा तो दो दो मेथड से हम कर सकते हैं। मेथड नंबर वन कैसे आप हल करेंगे ये देखिए। सबसे पहले जैसे हम बताए हैं कि इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए और इसको डी मानिए। आप वर्ग निकालना है तो वर्ग इज इक्वल टू मेरा ट्रिक मिल जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से आपको मिल जाएगा। हल करेंगे तो ये मिलेगा एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर। केवल देख करके एक साइड वाले का वर्ग कर देना है, तो एक मिलेगा प्लस चार मिलेगा प्लस तीतरी का नौ मिल जाएगा, चौचौ का सोलह मिल जाएगा। इसको आप ऐड कर देंगे, चौदह में सोलह जोड़िए तीस हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया वर्ग इज इक्वल टू, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। ये तो फर्स्ट मेथड है जो आपके नज़र के सामने हमने उत्तर ला दिया है, आप देख करके इसको उतार सकते हैं। दूसरा मेथड भी अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, कैसे वर्ग निकालेंगे, अब ये आपको बताना है। तो सर देखिए, इसके लिए मेरा क्या तरीका है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का ट्रिक होता है,
वर्गों का देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों माने एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग प्लस तीन का वर्ग प्लस चार का वर्ग। अगर आप गणित पढ़े हैं तो उसके लिए मेरा ट्रिक है, इसको भी जान लीजिए कि वर्ग पर क्या ट्रिक लगता है। तो वर्ग के लिए है सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपान में सिक्स। ये गणितीय सूत्र है, आप चाहें तो इसके द्वारा इसका आंसर दे सकते हैं, माने टोटल वर्ग निकल जाएगा, यही वर्ग होगा। अब यहाँ पर मिलेगा मतलब वर्ग एक का वर्ग दो का वर्ग तीन का वर्ग चार का वर्ग ज्ञात करना होगा। तो इसे एन क्या है तो जो अधिकतम संख्या है, एन का मान इसमें क्या मान लेंगे तो चार हो जाएगा, एन बराबर चार मान रखिए चार, चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच, यहाँ पर मिलेगा चार दुनिया आठ एक नौ, अब आटा में मिलेगा छः, तीन से कट जाएगा तीन दुनी छः आ तीतरी का नौ, ये कट जाएगा कितने बार में तो दो दुनी चार पाँच दुनी दस दस तिया तीस, तो वर्ग कितने हो जाएंगे सर तीस। दिस इज आंसर, बिल्कुल आप उतारिए, आपके सामने हमने आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन को करने का दो दो तरीका हम आपके सामने बता दिए हैं और आप कैसे हल करेंगे ये भी हम आपको दिखा दिए हैं। एक और भी तरीका है मुझे इसको हल करने का, वो भी कहेंगे तो बता देंगे, लेकिन पहले आप राइट कीजिए। इतना दो तरीका ही समझेंगे तो बहुत है। अब हम इसको मिटा करके और यहीं पर थर्ड मेथड भी बता देते हैं। अब मेथड आपको जो याद आ जाए एग्जाम में, इस तरह वर्ग वाला मेथड बहुत ज़्यादा याद रहता है। सर देखिए अब क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक दो तीन चार, इधर देखिए एक दो तीन चार, तो यहाँ पर लिखेंगे चार गुणे चार चौ का सोलह। अब आइए एक दो तीन आ एक दो तीन, इसका मतलब तीन गुणे तीन इज इक्वल टू नौ। यहाँ देखिए एक दो, इधर एक लिखे ही हैं एक दो, तो नीचे लिखना है दो गुणे दो प्लस दो गुणे दो इक्वल टू चार, लास्ट में एक बच गया, तो इधर से भी यह एक ही मिल रहा है, इधर से भी एक ही मिल रहा है, एक गुणे एक बराबर एक, सबको जोड़ दीजिए, नौ में छः जोड़िए पंद्रह और पाँच बीस का जीरो और दो आ एक तीन, आपका आंसर कितना आ गया तीस। आप बिल्कुल देख सकते हैं आपके नज़र के सामने इसका आंसर आया है इस मेथड से। फिर से समझा देते हैं ए बी सी डी, आ इधर से भी लिखे ए बी सी डी, डी वाले को डी के साथ गुणा करना है, फिर उसी तरह ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा, सी में सी से गुणा करना है, उसी तरह ए बी आएगा, ए बी आए ए बी आएगा तो ए बी में बी से करना है, लास्ट में एक से कर देना है और इसको एड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा नज़र के सामने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इतना उतार लीजिए पहले। अब हम दिखाएंगे सर कि अगर इससे भी मान लीजिए कि आपको बड़ा दे दिया गया और फिर उसी तरह सेम टू सेम अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है, वन टू थ्री फोर माने चार भागों में बांट दिया गया, वन टू थ्री फोर ऐसे दिया गया है। अब कहेगा क्या वर्ग ज्ञात करो,
सर बिल्कुल जानदार प्रश्न है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रिक जानते ही हैं। ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, ई मानिए। इसी तरह से इधर ही मान सकते हैं, ए बी सी डी ई। सर इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें ट्रिक मिल जाएगा, वर्ग इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। और वर्ग हमको निकालना है, तो देखिए वर्ग कैसे निकालेंगे, फिर इसमें लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अगर रो की संख्या, यहाँ पर देखिए रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, मतलब 1 2 3 4 5 ये भी है, 1 2 3 4 5 ये भी है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि ये पंक्ति हो गया, और इसको बोलेंगे ये स्तंभ हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब सेम टू सेम इधर होता है स्तंभ और इधर होता है पंक्ति, इधर हो जाएगा पंक्ति, देख सकते हैं। अब आपको जब दोनों आपस में बराबर होगा तभी यह ट्रिक लागू होगा सर, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर देख लेंगे कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है, तो चलिए हल करेंगे, वर्ग इज इक्वल टू 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग। सर हम जब इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा 4 होगा 3 3 का 9 होगा 4 4 का 16 होगा 5 5 25 होगा। यहाँ तक जोड़े थे तो मेरा 30 आया था, 30 में 25 जोड़ दीजिए, टोटल वर्ग कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बिल्कुल इज्जत के साथ उतार लीजिए। बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए इज्जत के साथ पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर दूसरा मेथड भी इसके लिए बताना चाहेंगे। आप ये वाला टॉपिक नियर अबाउट लिख लिए होंगे, तो थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए। अगर वर्ग आपको निकालना है तो वर्ग इज इक्वल टू एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6। एन का मान इसमें कितना है, तो 5 है, तो मिल जाएगा वर्ग बराबर 5। थोड़ा नियम पर रख देते हैं इसको, 5 प्लस 1 2 गुणे 5 प्लस 1 बटा में 6। 5 गुणे 6 गुणे 5 दूनी 10 1 11 बटा 6 6 से 6 कट गया। 11 5 कितना हो जाएगा, 55। दिस इज आंसर। दोनों मेथड से हम हल कर, तीसरे से भी करेंगे तो उतना ही आएगा, आप इसको राइट कर लीजिए। दो मेथड बहुत होता है। बिल्कुल हम आपको लजवाब लजवाब ट्रिक बता रहे हैं, जिसको आप देख करके एकदम अपने दिमाग में बैठाते जाइए, ताकि आप नॉन टेक, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इसके अलावा नेवी, आर्मी, सारे का रीजनिंग आप हल कर सकते हैं। जहाँ तक कि आई एस पी सी एस का भी आप रीजनिंग हल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए, अब हम आगे चलते हैं। अगर ऐसा था तब तो सर आपने कर लिया है, लेकिन अब समझिए, अब यहां पर हम इस तरह से काट दिए, यहां पर मिल जाएगा 1 पर मिल जाएगा 2 3 4 यहां मिल जाएगा 5। आ कहा है कि वर्ग ज्ञात करिए, इस सभी खाने को आपको वर्ग ही समझना है, ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया।
कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो सर जब वर्ग की संख्या अब यहाँ पर फाइन करना है, इसमें देख लेंगे कि पंक्ति की संख्या मात्र एक एक दो ही है, लेकिन स्तंभ इसमें एक दो तीन चार पाँच छः है, अर्थात पंक्ति की संख्या नॉट इक्वल टू स्तंभ। यहाँ पर मिल जाएगा वन टू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पंक्ति इज इक्वल टू कितना हो गया तो टू, आ स्तंभ कितना हो गया वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः हो गया। तो जब छः हो गया सर तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, अर्थात यहाँ पर हम जान सकते हैं कि पंक्ति नॉट इज इक्वल टू स्तंभ, तो पहले वाला नियम नहीं लगेगा। अब इस तरह जान गए कि पहले वाला नियम नहीं लगेगा तो कौन नियम लगेगा, तो देखिए हमने आपको जो तीसरा रूल बनाए थे वह सारे पर नियम लागू होता है। जैसे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो जो अधिक आ रहा है यहाँ आंसर देखिए छः गुणे आ एक एक दो, तो दो आया है तो दो, तो छः दूनी कितना हो गया बारह। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच या गुणे, अब नीचे कुछ है ये नहीं केवल एक ही है तो एक से गुणा कर दे तो पाँच ये हो गया, बारह में पाँच जोड़ दीजिए सत्रह, दिस इज आंसर। आप बिल्कुल देखते जाइए हल करते जाइए। इसका आंसर आपको मिल गया है सत्रह, कैसे भी किया है एक दो तीन चार पाँच छः, छः लिख दिया यहाँ दो है छः से गुणा कर दिया, फिर यहाँ पाँच लिख दिया यहाँ पर एक ही है तो एक से गुणा कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम क्या बताएंगे, अब ये समझिए इसमें ऐसे अब आ गया वन और यहाँ पर हो गया टू, अब देखिए वन यहाँ पर हो गया टू थ्री पर हो गया फोर यहाँ पर हो जाएगा फाइव यहाँ पर हो गया हाई, सभी जो खाने हैं एकदम आपस में बराबर हैं, किसी को बड़ा छोटा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए इसका आंसर क्या होगा ये पहले समझेंगे। तो अभी बोले हैं कि इसमें भी सेम टू सेम है, पंक्ति नॉट इक्वल टू स्तंभ, वन टू और थ्री है, जबकि ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन है, तो इसका मतलब यह है आपस में इक्वल नहीं है, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं है। तो सर जो अभी नियम बताए हैं उसी नियम से आप इसको हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सात आगुणे तीन, ये एक दो तीन है तो तीन जो बड़ा वाला अंक है उसको यहाँ पर राइट कर लें, इक्कीस हो गया। अब यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः तक जा रहा है नीचे एक एक दो, तो इधर अधिकतम अंक छः है इधर दो है, तो यहाँ पर लिखे छः गुणे दो बराबर बारह। इधर देखिए एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच या गुणे अब क्या बचेगा एक, एड कर दीजिए तीन और पाँच आठ, दो में एक जोड़िए तीन, दिस इज आंसर। आप बिल्कुल समझ सकते हैं देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बता भी सकते हैं, राइट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 38। अब हम इसके आगे आपको ले चलते हैं, बिल्कुल आसान है, आसान तरीका भी है, आप इस तरीका को जानते जाइए और हल करते जाइए। इसमें वर्ग केवल ज्ञात करना था, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट में आइए, इसमें भी आपको वर्ग ही ज्ञात करना है, अब आप कैसा दिया रहेगा ये पहले समझिए, बल्कि एक छोटा पहले देते हैं, अब देखिए इस तरह से दे दिया और कह रहा है कि वर्ग ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ज्ञात करने का तरीका क्या होगा ये समझिए। अभी हम देखेंगे, पहले अब इस लाइन वाले को छोड़ दीजिए, पहले देखिए एक एक दो आ एक एक दो, इसका मतलब पहले वाला ट्रिक लागू हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर बराबर पाँच,
उसी तरह भी इसमें आइए, एक एक दो, एक एक दो, इधर एक एक दो जा रहा है, ये छोटे वाले खाने के लिए हैं एक, और इधर छोटे वाले के लिए हैं, मैंने यहाँ से ऐसे ये मिल गया एक, ये मिल गया आपका दो, फिर यहाँ पर ऊपर वाला एक और नीचे वाला दो, ठीक है। तब इसका भी इसी तरह से कर देंगे, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर बराबर एक का दो दूनी का चार हो जाएगा पाँच, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आंसर आ गया दस, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं भाई ऊपर वाला इसको मानेंगे एक पहला स्क्वायर, फिर ये दूसरा स्क्वायर, देख सकते हैं ये तीसरा स्क्वायर, फिर ये आपका चौथा स्क्वायर, आएगो बड़ा वाला गिन देंगे तो पांचवा स्क्वायर, तो पांच इसका आंसर आया है, अंदर वाले का पांच आ जाएगा, पांच पे पांच जोड़ दीजिए दोनों मिलकर के कितना आ गया दस। अब आप देखिए, अब हम सर एक क्वेश्चन इस तरह से आपको दिखाए हैं, इसमें भी आपको वर्ग ज्ञात करना है, इसमें क्या किया गया है देखिए, एक दो तीन चार पाँच खाना का है, आ इधर भी देखिए एक दो तीन चार पाँच खाना का, मतलब ये एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, ये है इसमें आपको वर्ग ज्ञात करना है, आप प्लस अब इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो ऐसा वर्ग होता है तो वन टू वन टू वन टू वन टू। अब हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे ये देखिए, पहले पूरा बड़ा वाला का आंसर निकाल दीजिए, तो बड़े वाले का अगर निकालेंगे तो इसके लिए हम ट्रिक जानते हैं, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे, पाँच तक हम पीछे भी जोड़े थे तो मेरा आंसर आ रहा था पचपन, ठीक। अब आइए नीचे क्या आएगा, तो नीचे वाले के लिए एक का वर्ग दो का वर्ग, तो केवल इसमें आएगा पाँच, और एक दो तीन चार, चार को है तो पाँच या गुणे चार बराबर हो जाएगा आपका बीस, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पचहत्तर, दिस इज आंसर। समझिए फिर से कैसे, इसके लिए ट्रिक आपको पता है कि जब रो की संख्या, जब यहाँ पर समझिए, जब पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तो सबका वर्ग करके जोड़ देंगे तो आंसर आएगा पचपन, छोटे वाले का देखिए क्या आंसर आएगा, तो फिर ये एक एक दो है तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर तो इसका पाँच होगा, तो एक दो तीन चार, चार गो है तो चार पाँच एक में होगा तो पाँच या गुण चार बराबर बीस, दोनों को जोड़ दिए हैं आंसर आ गया पचहत्तर। आप इस वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए और जो चीज़ नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप बिल्कुल करेंगे, और बेल आइकन जरूर बजाइएगा सर, कल फिजिक्स का क्लास 11 बजे कल दिन में लाइव होगा, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे और सही समय से एक नए चैप्टर के साथ में हम आपको अगले दिन मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।